वेलकम गाइस अगेन इंग्लिश विद रंजीत कुमार। आज हमारा जो फ्रेजल वर्ब का पार्ट है वो है पार्ट सेकंड, और उसमें हम जो वर्ब देखेंगे वो है यहाँ पर ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अलग से प्रीपोजिशन के साथ में जब जुड़ेगी या फिर जब एडवर्ब पार्टिकल्स के साथ में जुड़ेगी तो इसका अर्थ ही अलग हो जाएगा। तो पहला जो अपने यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है वो यहाँ पर है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है इसका एग्जांपल पे देखेंगे। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना या पाल कर बड़ा करना, पाल कर बड़ा करना। तो ये है अपने ब्रिंग अप का मतलब, यानी कि ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें ब्रिंग एक वर्ब है और अप एक प्रीपोजिशन है, और जब ये दोनों साथ में मिले तो एक नया अर्थ बना पालन पोषण करना या फिर पाल कर बड़ा करना। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज ब्रॉट अप, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, यानी कि उसका जो पालन पोषण किया गया वो किसके द्वारा किया गया, उसके अंकल के द्वारा किया गया। तो ये है अपने यहाँ पर ब्रिंग अप का मतलब। दूसरी जो फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर वो है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट इसका मतलब क्या होता है, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है परिणाम निकलना, परिणाम निकलना, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर होना, यानी कि परिणाम निकलना। यहाँ पर इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। गुड हैबिट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज ब्रिंग अबाउट योर हेल्थ बेटर। यानी कि यहाँ पर जो डेली एक्सरसाइज करने की अच्छी जो आदतें हैं उसका परिणाम क्या होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर आपकी जो हेल्थ है वो क्या होगी, बेटर होती जाएगी। तो यहाँ पर ये परिणाम निकलने का मतलब है। तीसरी यहाँ पर अपने जो फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है पेश करना, किसी के समक्ष क्या करना, पेश करना। यह है ब्रिंग फोर्थ का मतलब। इसका एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। इसका एग्जांपल है ही ब्रॉट फोर्थ द रिसीट, द रिसीट ऑफ पेड फी टू सेटिस्फाई मी, यानी कि उसने मेरे सामने क्या पेश किया, जो भुगतान की गई फीस थी उसकी रसीद मेरे सामने उसने पेश की। ये अपने यहाँ पर थी तीसरी फ्रेजल वर्ब। चौथी जो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर,
ब्रिंग अंडर का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अंडर का मतलब होता है काबू में लाना, काबू में लाना। इसके लिए इंग्लिश में एक स्पेलिंग और से है अलग से, कंट्रोल करना वो अलग है, इसका मतलब अलग स्पेलिंग है। और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है इसका, द फायर वाज ईजिली, द फायर वाज ईजिली ब्रॉट अंडर बाय। फायर जो है किसके द्वारा ब्रॉट अंडर किया जाता है? वो किया जाता है फायर फाइटर्स के द्वारा, फायर फाइटर्स। यहाँ पर ब्रिंग के ऊपर ही बनने वाली पांचवी जो फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग ओवर का मतलब क्या होता है? अपने पक्ष में करना, अपने पक्ष में करना, अपने पक्ष में करना। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। He is trying to bring under them, यानी कि वह क्या कोशिश कर रहा है कि अपने पक्ष में लाने की उनको कोशिश कर रहा है। इसी तरह के और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपना जो सर्कल है उसके साथ में शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।